नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोरखपुर जिले की विधानसभा सीट से अब तक जितने भी उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है, उनमें से एसपी के चिल्लूपार से प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी सबसे अमीर हैं। विनय शंकर तिवारी पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। चुनाव आयोग को विनय शंकर तिवारी ने जो शपथ पत्र दिया है, उसके मुताबिक उनके और उनकी पत्नी के पास करीब 67 करोड़ 51 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। इनमें से 25 करोड़ 64 लाख की चल और 41 करोड़ 87 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। विनय के पास लखनऊ में एक होटल और उनकी पत्नी के नाम लखनऊ में गैस हाउस और आइस फैक्ट्री है। विनय के पास 22 लाख रुपए के सोने के आभूषण है तो उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ 34 लाख रुपए के सोने और 2 लाख रुपए की चांदी के आभूषण है। विनय ने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1987 में एलएलबी की डिग्री हासिल की है। सीबीआई कोर्ट में उन पर एक मुकदमा लंबित है। विनय के पास एक राइफल और एक पिस्टल है जबकि उनकी पत्नी के पास एक रिवॉल्वर है। हालांकि पिछले 5 साल में उनकी संपत्ति करीब 7 लाख रुपए कम हुई है। 2017 में उनकी संपत्ति करीब 67 करोड़ 58 लाख रुपए थी। शपथ पत्र में विनय शंकर तिवारी ने बताया कि उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। आपको बता दें, विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक हैं और कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। साल 2017 में बीएसपी के टिकट पर विनय शंकर तिवारी ने चिल्लूपार सीट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज कराई थी। तो वहीं विनय शंकर तिवारी के पिता हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल की सियासत, विशेषकर गोरखपुर की राजनीति के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। इतना ही नहीं, हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल का पहला बाहुबली नेता कहा जाता है। कहते हैं कि हरिशंकर तिवारी के नक्शे कदम पर चलकर ही मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह जैसे बाहुबलियों ने राजनीति में कदम रखा था। 7 दिसंबर 2021 को बीएसपी चीफ मायावती ने अनुशासनहीनता के चलते विनय शंकर तिवारी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। बीएसपी से निष्कासित होने के बाद विनय शंकर तिवारी ने 12 दिसंबर 2021 को अपने परिवार के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद एसपी ने उन्हें चिल्लूपार से टिकट देकर मैदान में उतारा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।